बच्चों, कल आपने इस उर्दू के मज़मून में ये सीखा था कि हरूफ को कैसे पहचानेंगे, सही कैसे बोलेंगे, सही कैसे लिखेंगे। कल ये भी बताया गया था कि दो हर्फ को किस तरह हम जोड़ेंगे, जिसमें अलिफ से जोड़ने की बात थी। आज उसके बाद बे के साथ तमाम हरूफ को जोड़ना है। अब यहाँ पर देखने की चीज है कि बे के साथ ये अलिफ आया तो बे अलिजर बा, बे आया तो बेबेजर बब, बेजिंदर बच। इसमें एक नुक्ते की बात यह है कि बेबेजर बब के बाद टे से टे भी आना चाहिए, तो उसको इसलिए छोड़ा गया है कि जो एक नक्शे का हरूफ है जैसे टे से टे तो इसी तरह बनेगा, इसलिए बे से जब बस भी लिखना है तो इसी तरह होगा, नुक्ता बदलेगा। बे से बच भी लिखना है तो इसी तरह नुक्ता बदलेगा। उसी तरह जीम है खे, तीन हरूफ ऐसे हैं जो एक ही नक्शा वाले हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ यही स्ट्रक्चर चलेगा, बे और जीम इस तरह खींच के और हरूफ बनाना है। इसी तरह ये बेदाल, दाल और दाल का एक ही शक्ल है, तो इसलिए बेदाल जब बस जिस तरह लिखा गया है उसी तरह बेदाल जब बस भी लिखा जाएगा और उसमें नुक्ता डाल दिया जाएगा। इसी तरह बेड़े जब बड़ है और बेजे जब बस भी इसी तरह होगा, बेसिन जब बस है छोटी सीन बड़ी सीन के साथ बे इसी तरह जुटेगा, बे साथ जब बस है तो ये जात के साथ भी यही मामला होगा। इसी तरह बे तो जब बत है तो बेजो जब बस भी इसी तरह होगा, बे अंदर बा है तो बेगन जब बब भी इसी तरह होगा, बे पे जब बस है बे का जब बब बे का जब बब। आपने देखा बच्चों कि बड़ी काफ के साथ किस तरह जुड़ा है और छोटी काफ के साथ किस तरह जुड़ा है, इसी तरह बेड़ा अंदर बल और बेरिन जब बंद है। अब इस तरह आपने ये सीख लिया कि बे के साथ तमाम हरूफ तहजी को हम किस तरह मिलाएंगे। अब जरा एक मिनट ये भी समझना चाहिए कि किस हरूफ के साथ किस तरह जाएगा, या फिर बे के साथ ते से को हम इसी तरह मिलाएंगे। अब जीम को तमाम हरूफ से मिलाना है, उसको एक दो नमूना इसमें का देख लीजिए, उसके बाद फिर हम जीम से मिलाना सीखेंगे। जैसे बे बे एन जब बा है तो बे जोर एन, अब ये जब जुटेगा तो बे एन जब बा ऐसे हुआ, बे फे है तो बे फे को हम इस तरह जोड़ रहे हैं के बे फे जबर बफ। ये मामला पूरा बेस के साथ मिलाने की बात है, जो हम बे जर बी या बे जर बी तक आए हैं, बे जर बी या फिर बे जर बे, इसको हम ई के साथ पढ़ेंगे और इस ये को हम ए के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह वो जीम को सब हरूफ के साथ मिलाना है तो उसको भी लिख के देख लीजिए। बच्चों आपने दो हर्फी कलमा को मिलाना सीख लिया है, अब दो चार नमूने और जिसको आप देख लीजिए, जीम से मिला तो किस तरह हुआ, जीम बे जीम अंदर जा जीम लाम दर जल जीम माम जिल जीम लाम दर जल जीम मीम दर जम जीम ये से जी जीम ये से जे। इसी तरह दाल दाल हे थे से भी मिलाएंगे तो यही होगा, यही नक्शा रहेगा। फिर अब दाल दाल से मिलाने की बात है तो दाल में कोई दिक्कत नहीं है, दाल दाल अलग अलग भी रहता है, जैसे दाल जो सीन बराबर दस, इसी तरह दाल के साथ मामला होगा, रे के साथ भी यही मामला होगा, जे के साथ भी, सी दोनों को लिख देना है वो जुट जाएगा, उसको सटा के नहीं लिखना है। अब जब हम सात के पास पहुंचते हैं शीन के साथ, तो शीन के साथ शीन अलीजर शाह इसी तरह होगा, अशीन ले जर सर सीन मीन जबर सम सीन फे जबर सफ। इसी तरह आप इसमें गौर से समझ के देख के समझ सकते हैं कि जो हर्फी कलमा में हम किस हर्फ को किसके साथ मिलाएंगे तो क्या नतीजा होगा। दालरे का जे का मामला है कि ये अलग ही अलग रहेगा, उसको मिलाना नहीं है, बाकी है उसको हम ये तक मिला चुके हैं। अब तीन हर्फी कलमा की तरफ हम लोग अगले क्लास में जाएंगे और इसको अगर आपने समझ लिया ध्यान से, तीन हर्फी कलमा को भी आप समझ लेंगे।